तो आप सभी को बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के लिए इस वक्त की जो है सबसे बड़ी खबर, जो है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जानकारी इस वक्त आप लोगों को जो है देखने को मिल रहा होगा। जी हाँ, आप सभी को भी बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के लिए इस वक्त की जो है बहुत ही बड़ी खबर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है निकल के आ रहा है। अगर हम देखें, बात करें तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये भी कांग्रेस सरकार के द्वारा चालू किया गया काफ़ी महत्वपूर्ण योजना था, जिसमें जो है 4 किस्तों में जो है पैसों की राशि जो है आप सभी किसानों के बैंक अकाउंट में जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा आप सभी किसानों के बैंक अकाउंट में पैसों की राशि जो है ट्रांसफ़र किए जाते थे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत। और अगर हम बात करें धान का बोनस का पैसा, धान के जो है बोनस का भुगतान के पैसा, तो वो भी पैसा आप सभी के बैंक अकाउंट में जो 4th किस्त की राशि है, जो 4th किस्त के बोनस का पैसा है, वो 4th किस्त की राशि, वो 4th किस्त का बोनस का भी पैसा आप सभी किसानों के बैंक अकाउंट में जो है मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 21 मार्च को मिलेगा होली त्यौहार का तोहफा। जी हाँ, मार्च में आपका होली त्यौहार है और होली फेस्टिवल पर आप सभी को जो है बहुत ही बड़ी जो है तोहफा विष्णु देसाई सरकार के द्वारा आप सभी के लिए, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप सभी के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप सभी को बहुत ही बड़ा तोहफा जो है दिया जाएगा। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये छत्तीसगढ़ में बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा चालू किया गया काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। ये योजना अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं और आप सभी को जो है धान का जो 4th किस्त की राशि है, धान का जो 4th किस्त का बोनस का पैसा है, वो भी 4th किस्त की राशि, वो भी 4th किस्त का बोनस का पैसा आप सभी किसानों के बैंक अकाउंट में पैसों की राशि जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, जो कि सबसे बड़ी बातें हो जाती हैं आप सभी के लिए, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप सभी को, सभी के लिए जो है निकल कर आ जाती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो 21 मार्च को मिलेगा होली त्यौहार का तोहफा। जितने भी जो किसान हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमें आखिरकार हमारा पैसा मिल पाएगा भी या फिर नहीं मिल पाएगा, हमें जो है किस तरह से पैसा मिल पाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो मैं आप सभी को ही बता देना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत, अब आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स या परेशानी आपको फेस करना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो 4th किस्त की राशि है, जो 4th किस्त का बोनस का पेमेंट है, वो 4th किस्त के बोनस का राशि, वो 4th किस्त के बोनस का भी पेमेंट आप सभी किसानों के बैंक अकाउंट में पूरे के पूरे जो है पैसों की राशि आप सभी किसानों के बैंक अकाउंट में पूरे के पूरे जो है पैसों की राशि जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, जो ये सबसे बड़ी बात हो जाती है अपने आप में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है आप सभी को जो है देखने को मिल पाता है। और 4 किस्तों में जो है पैसों की राशि, अगर हम बात करें तो शुरुआत में आपको 1 किस्त का पैसा, 2 किस्त का पैसा, 3 किस्त का पैसा आप सभी किसानों के बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र किए गए, लेकिन जो हमारा पैसा बच जाता है, जो हमारा 4th किस्त की राशि है, जो हमारा 4th किस्त की राशि है, जो हमारा 4th किस्त का बोनस का पेमेंट है, तो वो भी 4th किस्त की राशि, वो भी 4th किस्त के बोनस का भी पैसा आप सभी किसानों के बैंक अकाउंट में कुछ ही दिनों में जो है वो पैसों की राशि, कुछ ही दिनों में आप सभी किसानों के बैंक अकाउंट में वो पैसों की राशि जो है ट्रांसफ़र होने वाला है, जो कि सबसे बड़ी चीज़ें आप सभी को जो है कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल पाता है। तो जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी अपडेट हैं, जितने भी घोषणा पत्र हैं, जितने भी मैनिफेस्टो हैं जो आप सभी के लिए निकल के आते हैं, वो हर एक अपडेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वो हर एक अपडेट आप सभी के लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट रखता है, उतने ही मायने रखता है, उतने ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यूबल होता है जितना कि आप सोचते हैं। और 4 किस्तों में पैसों की राशि जो है आप सभी किसानों के बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और 21 मार्च को मिलेगा होली त्यौहार का तोहफा। जी हाँ, 21 मार्च को आप सभी किसानों के बैंक अकाउंट में जो 4th किस्त की राशि है, जो 4th किस्त के बोनस की राशि है, जो 4th किस्त के बोनस का पेमेंट आपको दिया जाना है, जो 4th किस्त के बोनस का राशि जो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, वो भी पैसों की राशि आप सभी किसानों के बैंक अकाउंट में कुछ ही दिनों में वो पैसों की राशि जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है देखने को आप सभी को जो है मिल पाता है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आप सभी को जो है धान का जो 4th किस्त की राशि है, धान का जो 4th किस्त के बोनस का पेमेंट है, वो भी आप सभी किसानों को वाला है। तो ये जितने भी चीज़ें, जितने भी अपडेट
आप सभी के लिए निकल कर आ रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और आप सभी को जो है डेफिनेटली जो है धान के जो चौथी किस्त की राशि है, धान के जो चौथी किस्त के बोनस का पेमेंट है, चौथी किस्त का जो बोनस की राशि है, वो आप सभी किसानों के बैंक अकाउंट में जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जो भी अपडेट है, जितने भी अपडेट हैं आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, वो अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बातें आप सभी को जो है देखने को मिल पाते हैं। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आप सभी किसानों के बैंक अकाउंटों में धान के जो चौथी किस्त की राशि है, धान के जो फोर्थ किस्त के पेमेंट है, वो भी आप सभी किसानों के बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र होने वाला है, धान का जो है फोर्थ किस्त की राशि। और 21 मार्च को मिलेगा होली त्यौहार का तोहफा। जी हाँ, जितने भी आप लोगों के लिए अपडेट निकाले जाते हैं, जितने भी घोषणा पत्र हैं, वो अपने आप में ही सबसे बड़ी चीज़ें, वो अपने आप में ही काफ़ी महत्वपूर्ण बातें जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है देखने को मिल पाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के लिए इस वक्त की जो है सबसे बड़ी खबर है। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आप सभी को जो है धान बोनस का जो फोर्थ किस्त के राशि है, जो फोर्थ किस्त के बोनस का पेमेंट है, वो बहुत जल्द आप सभी किसानों के बैंक अकाउंट में पैसों की राशि जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जितने भी अपडेट होते हैं, कहीं ना कहीं जितने भी घोषणा पत्र होते हैं, जितने भी चीज़ें जो आप सभी के लिए बीजेपी सरकार के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा निकल कर आते हैं, वो अपने आप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है देखने को मिल पाता है। तो फोर्थ किस्त की राशि, फोर्थ की किस्त के पेमेंट भी आप सभी किसानों के बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण आप सभी को जो है देखने को मिल पाएगा। तो एक के बाद एक जितने भी जानकारी है, एक के बाद एक जितने भी चीज़ें आप सभी के लिए होने वाले हैं, वो हर एक अपडेट, वो हर एक चीज़ें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, वो हर एक अपडेट आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फोर्थ किस्त की राशि और फोर्थ किस्त के बोनस के पेमेंट आप सभी को जो है मिल पाएगा, और 21 मार्च को मिलेगा होली त्यौहार का तोहफा आप सभी के लिए। आई होप जितने भी जानकारी, जितने भी अपडेट मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी, सभी अपडेट आपको पसंद आया हो। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी, अपडेट पसंद आया हो तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को आपको ऑन करके रख लेना, एंड देन वीडियोज़ को जितना ज़्यादा हो सके आपको वीडियोज़ को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको वीडियोज़ को शेयर करना है, जिससे कि सभी लोगों तक जानकारी, जिससे कि सभी लोगों तक वीडियो जो है पहुँच पाए। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आप सभी के लिए बीजेपी सरकार के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किए जा रहे हैं, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है निकल कर आ रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी बात आप सभी के लिए हो जाते हैं। आई होप जितने भी जानकारी, जितने भी अपडेट मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी अपडेट पसंद आया, जानकारी अपडेट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करना, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को आपको ऑन करके रख लेना, एंड देन वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। थैंक यू सो मच। अपना डाउट, अपना ओपिनियन ज़रूर बताना, वीडियोस आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, इसी तरह से नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद आपका।